ऐसा करना है आप करें, बट मुझे वरुण बेवरेजेस पावरफुल लगता है एज अ स्टॉक। और इसमें खास बात यह है कि पेप्सी के साथ ट्रॉपिकाना का भी ये काम करना स्टार्ट किए हैं, और ये करते करते आप देखेंगे ऐसी कंपनियां जो है वो कुछ दिन तक इसमें ग्रोथ आती है, फिर थोड़ा फ्लैटिश हो जाता है, मार्केट कैप बढ़ गया काफ़ी, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गया एक आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए, जो कम नहीं होता है। बट अगर आपको ग्रोथ लेना है तो आपको ऐसी कंपनी लेनी होगी जो आगे जाकर आगे के सालों में ये अच्छा करेगी। और बड़ा ये मतलब अगर कोक और पेप्सी अगर सेकुलर ग्रोथ है तो वरुण बेवरेजेस भी सेकुलर ग्रोथ होगा। तो ये पी रेशियो मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑफकोर्स ज़्यादा है इसका पी रेशियो, बट कंपेयर टू कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है ये पी मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको प्रेडिक्टेबिलिटी हो अर्निंग्स की और आप काफ़ी सालों तक देख पाएँ, तो आप देखेंगे कि रिटर्न ज़्यादा अच्छा।